फ्रेंड्स, आइए आज शुरू करते हैं रस्किन बॉन्ड की एक और कहानी। क्लास नाइन्थ इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स बुक से दूसरे नंबर की स्टोरी है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स का मीनिंग जो होता है वो साहस भरे कारनामे, और टोटो जो है, टोटो नाम है एक मंकी का। तो इसमें एक मंकी के साहस भरे, एक बंदर के साहस भरे कारनामे की कहानी है। रस्किन बॉन्ड के बारे में पहले भी हमने बताया, इनके ग्रैंडफादर यहाँ इंडिया में आए थे ब्रिटिश रूल के समय, और जो है ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ, आज़ाद हुआ भारत, लेकिन बहुत सारे लोग, ब्रिटिश पीपल हैव गोन बैक टू देयर होमलैंड इंग्लैंड। लेकिन ये जो रस्किन बॉन्ड थे, इनका परिवार सेटल हो गया देहरादून में, पहले रहते थे फिर मुंबई में, आजकल ये मुंबई में ही रहते हैं। इनका बड़ा घर है और इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पद्मश्री अवार्ड्स भी दिया है। आजकल ये मुंबई में रहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप भी इनको हासिल है। तो उन्होंने इंडियन बैकग्राउंड पर ही कहानी लिखी है। इसमें आपको समझ में आएगा कि कहानी इंडिया से ही, इंडिया के बैकग्राउंड पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो राइटर रस्किन बॉन्ड थे, इनके ग्रैंडफादर बहुत शौकीन थे, पेट एनिमल्स को रखने में, घर पर रखते थे। तो ग्रैंडफादर जो थे रस्किन बॉन्ड के, ब्रॉट टोटो फ्रॉम ए टांगा ड्राइवर। टांगा जो कार्ट, हॉर्स कार्ट होता है, उसका उस ड्राइवर से इसको खरीद कर लेके आ गए 5 रुपए में, सम ऑफ 5 रुपीज। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल लेडर्ड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। फीडिंग ट्रो का मतलब उसका जो खाने का बर्तन होता है, उसको वहीं टांगा पर ही, कार्ट पर ही उसका वो बर्तन पॉट होता था, जिसमें से वो खाता रहता था अपना खाना चारा। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एंड एड द लिटिल फेलो। अब ग्रैंडफादर ऑफिस जाते थे अपना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो उस टांगा में ही बैठ कर जाते थे। तो उनको उसकी जो लुक्स थी, उसका शरारत थी, वो बहुत पसंद आ गई ग्रैंडफादर को, और उन्होंने डिसाइड किया वो अपने प्राइवेट जू में, जो अपना पर्सनल जू है, उसमें उसको रखेंगे। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी, बहुत खूबसूरत मंकी था ये। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड का मतलब चमकना, उसकी आँखें चमकती थी। स्पार्कल्ड यहाँ पर मीनिंग है, ये स्पार्कल्ड लिखा हुआ है, स्पार्कल्ड का मीनिंग चमकना, साइनिंग, फुल ऑफ साइन। विद मिस्चीफ, शरारत से, आप जानते हैं जैसे मंकी बहुत शरारती होता है। बीनीथ डीप आईब्रोज, उसकी आँखों में शरारत थी, उसके गहरे गड्ढे थे आँखों में। एंड हिज टीथ, टीथ कैसे थे उसके, विच वर पर्ली वाइट। पर्ली का मतलब होता है पर्ली, पर्ली मतलब मोतियों जैसे एकदम सफ़ेद। बर वेरी ऑफन डिस्प्लेड, डिस्प्लेड मतलब वो दिखाता था कभी कभी स्माइल, मुस्कुराते समय। दैट फ्राइटेंट, उससे डर लगता था कि इनको, लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, एंग्लो इंडियन लेडीज जो होती थी वो डर जाती थी उसके उस दांतों के दिखाने से। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, उसके हाथ कैसे थे, मानो उनको सुखा दिया गया हो, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी हाथों में, ऐसे सारे मंकीज के होते हैं हाथ। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेन ईयर्स, ऐसा लगता था बहुत सा बरसों तक उनको सुखा दिया गया हो धूप में। येट हिज फिंगर्स वर क्विक, लेकिन हाथ ऐसे नहीं थे कि इनएक्टिव हो गए हों, सुस्त हों, बहुत एक्टिव होते हैं उसके हाथ। एंड विक्ट मतलब शरारत से भरे हुए। एंड हिज टेल, टेल के बारे में बता रहे हैं। वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, पूंछ की गुड, पूंछ क्या है जानवर में, एक अच्छा लुक तो देती है, लुक के साथ साथ उसके काम भी आती है, जैसा कि इस टोटो की पूंछ काम आती थी। किस लिए, सर्व एज ए थर्ड हैंड, तीसरे हाथ का काम करती थी उसकी पूंछ। ही कुड यूज इट टू
हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो पूंछ से लटकने में, उसको ब्रांच से लटकने में पूंछ मदद करती थी। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप, स्कूपिंग अप का मतलब उछलना ऊपर में। डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ इस, जो हाथों में नहीं, कोई हाथों की रीच से, पहुंच से बाहर होती थी, उसको पूंछ से वो प्राप्त कर सकता था। तो यहाँ पर ये आपने, यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको, आउट रीच ऑफ इज हैंड्स। ग्रांट मदर, जब लेकर के वो आ गए अपने उसमें घर पर, तो ग्रांड मदर, फर्स्ट का मतलब कंप्लेन करना, गुस्सा होना, तो वो हमेशा गुस्सा होती थी जब भी ग्रैंड फादर किसी एनिमल को लेकर घर पे आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड, रस्किन बॉन्ड लिखते हैं तो ग्रैंड फादर ने निश्चय किया कि उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को घर में एक सीक्रेट रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा। सो ग्रैंड मदर गुस्सा न करें। सी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड, कब तक, जब तक वो अच्छे मूड में होगी तो फिर बता दिया जाएगा उनको कि एक और मेहमान आया है जू में। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट, क्लोजेट मतलब छोटी सी जगह, कहाँ पर थी, उसके बेड दीवार में थी और बेडरूम की तरफ वो खुलता था उसका डोर। वैन वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पर उसको बांध दिया एक खूंटी में, और सो बी थॉट टू ए पैग फास्टेंड इन टू द वॉल, वॉल में एक पैग मतलब खूंटी थी, हुक था, जिसमें उसको रस्सी से बांध दिया गया। ए फ्यू आवर्स, पैग का मतलब खूंटी। फ्यू आवर्स लेटर, कुछ समय के बाद, व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब देखने आए कि अब टोटो बहुत देर से बंधा हुआ है, चलो उसको छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, तो घूमता रहेगा उस रूम में। वी फाउंड दैट द वॉल्स, जो वॉल्स थी, दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर्स सूजन बाई ग्रैंड फादर, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, जो दीवार थी जहाँ पर हैंगर था राइटर का, कपड़े टांगते थे, तो दीवार जनरली हम करते हैं उसको सजा देते हैं, कुछ पोस्टर लगा देते हैं, अच्छे पेपर लगा देते हैं, तो ऐसे दीवार थी, वो डेकोरेटेड थी, लेकिन उस टोटो ने उसको सारे पेपर्स को फाड़ दिया, सीमेंट और ब्रिक, ब्रिक मतलब जो ईट होती है, वो दिखाई देने लगे थे दीवार में, मतलब उसने सारी ब्यूटी ख़राब कर दी रूम की। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड, जो पैग मतलब जो खूंटी थी दीवार में, उसको क्या किया, रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, रेंच का मतलब उखाड़ देना, तोड़ देना, उस सॉकेट जहाँ पर ठुका हुआ था वो हुक था, उसको निकाल दिया। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो राइटर का स्कूल ब्लेजर था, कोट था, उसको वहाँ पर जो टंगा हुआ था वहीं दीवार पर, बॉज एंड श्रेड्स, श्रेड्स का मतलब चिथड़े हो जाना, श्रेड्स बहुत चिथड़े कर देना, टुकड़े कर देना, फाड़ फाड़ करके। आई वंडर दैट ग्रैंड मदर, राइटर को, रस्किन बॉन्ड को आश्चर्य हुआ कि ग्रैंड मदर को जब ये कहानी पता चलेगी तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या होगा, गुस्सा करेंगी ग्रैंड मदर, ऐसा राइटर को लगता है। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन राइटर जो ग्रैंड फादर थे उनको कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड, वो खुश थे किससे, विद टोटोज परफॉर्मेंस, टोटो ने जो एक्टिविटी की थी रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, उससे वो खुश थे। ही इज क्लेवर, क्या कहा था ग्रैंड फादर ने, बहुत क्लेवर है, चालाक है ये मंकी टोटो, अगर गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड टू टाइड द थॉर्न पीसेस, टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इन टू ए रूफ एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, कहा कि ये बहुत तेज है टोटो, अगर इसको समय मिल गया होता तो मुझे विश्वास है कि इसने जो ब्लेजर के टुकड़े जो फाड़े हैं, ब्लेजर को फाड़ दिया, उसके उसके उनके टुकड़ों को रस्सी बना लेता और ये खिड़की से बाहर भी भाग सकता था, लेकिन सही समय पर आ गए, बहुत अच्छा टोटो है, ये अप्रिशिएट कर रहे उसको ग्रैंडफादर टोटो की परफॉर्मेंस को। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, सीक्रेट मतलब रहस्य, अभी भी ग्रैंड मदर को कुछ भी पता नहीं चला कि घर में एक टोटो है, मंकी आया हुआ है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स हेडक्वार्टर, कुछ सर्वेंट्स थे, रहते थे, पैसे वाले लोग हैं, तो सर्वेंट के जो नौकर थे उनके क्वार्टर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स, ग्रैंड फादर के बहुत सारे
पालतू जानवर थे वहाँ पर, जो मिलजुल कर साथ साथ रहते थे। कौन कौन थे पालतू जानवर हम देख सकते हैं, टर्टोइस एक था, कछुआ, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, दो रैबिट्स थे, जोड़ी थी रैबिट्स की, टेम स्क्वायरल पालतू गिलहरी, फॉर अ वाइल माई पैट गोट, और एक पैट गोट थे। कितने एनिमल हो गए, 1, 2, 3, 4, फोर एनिमल ऑलरेडी वर्स देयर लिविंग इन सर्वेंट्स क्वार्टर। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, लेकिन जो मंकी था उसने जब उनके घर पर पहुंचा दिया, क्वार्टर्स पहुंचा दिया, तो सारे चारों जानवरों को टोटो ने सोने नहीं दिया। इसीलिए ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, अगले दिन ग्रैंडफादर को देहरादून छोड़ना था, कहाँ के लिए जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि यहाँ सीक्रेट खुल जाएगा, पता चल जाएगा, ग्रैंडमदर को गुस्सा करेगी, इसलिए इसको साथ ले चलते हैं। तो सहारनपुर साथ लेने का इरादा किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकॉम्पनी, रस्किन बॉन्ड लिखते हैं कि मैं साथ में नहीं जा पाया, मतलब रस्किन बॉन्ड साथ नहीं गए थे उस ट्रिप पर ग्रैंडफादर के, लेकिन बाद में उन्होंने बताया, आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में बताया था ग्रैंडफादर ने क्या घटना घटी थी। एक बिग ब्लैक कैनवास किट, कैनवास मतलब मोटा कपड़ा होता है मजबूत, उसका एक बैग तैयार किया गया टोटो को बिठाने के लिए, उसमें नीचे स्ट्रॉ मतलब घास फूस डाल दिया गया। बिकम हिज न्यू अबोड, अबोड मतलब घर, नया घर उसका बन गया, उसमें उसको बैठ के बैठा कर ले जाना था कहाँ, सहारनपुर। वैन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग बंद कर दिया गया, चैन लगा दी उसको, टोटो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता था, एस्केप मतलब उससे नहीं निकल सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, वो अपने हाथों को भी बाहर निकाल नहीं सकता था, हाथों से ज़्यादा मिसशीप करते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग था कैनवास का बैग, उसको नहीं काट सकता था, दांतों से भी नहीं काट सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, क्या हुआ जब स्टेशन पर पहुँचे वो देहरादून स्टेशन पर, तो टोटो क्या कर सकता था, बैग के अंदर ही वो स्टेशन पर ही फ्लोर पर जैसे रख दिया उन्होंने बैग, तो वो रोल कर रहा था, लुढ़क रहा था इधर उधर, और अकेजनली कभी कभी उसमें से ऊपर को जंप करता था, तो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शन सा हो गया, प्रदर्शनी सी लग गई वहाँ पर, बहुत सारे पैसेंजर्स थे वहाँ पर, सब इकट्ठे हो गए देखने के लिए, ऑन लुकर्स का मतलब दर्शक वहाँ पर इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि क्या है भाई, कौन है इसमें उछल रहा है, बैग तो वैसे नहीं उछलते हैं, तो एक वहाँ पर इंटरटेनमेंट लोगों का हो गया देहरादून रेलवे स्टेशन पर। टोटो रिमेंट, अब यात्रा शुरू हुई, टोटो को फिर से बैग को उठा लिया ग्रैंडफादर ने, टोटो बाहर नहीं आया था वहाँ पर। टोटो जब यात्रा शुरू हुई सहारनपुर तक, वो शांत बना रहा बैग के अंदर, किसी को कुछ कोई एक्टिविटी नहीं की। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल का मतलब क्या होता है, टर्नस्टाइल जैसे देखा हो कहीं स्कूल पर होता है, कहीं हॉस्पिटल में, एक एक व्यक्ति करके उसमें से निकल पाता है, दो व्यक्ति नहीं निकलते एक साथ, उसको टर्नस्टाइल बोलते हैं। तो वहाँ पर टिकट कलेक्टर खड़ा हुआ था, सवारियों की टिकट चेक कर रहा था। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, पोक मतलब बाहर निकाला उसने, अपने सर को बाहर निकाला बैग से, जब ग्रैंडफादर क्या कर रहे थे, टिकट शो कर रहे थे, दिखा रहे थे टिकट कलेक्टर को, और टिकट कलेक्टर को ग्रिन किया मतलब दांत दिखा के, उसको तरफ दांत दिखा दिए, डराने का प्रयास किया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक मतलब आश्चर्य हो जाना, बहुत बड़ा आश्चर्य होना उसको, वो डर जा, जो पुअर मैन किसके लिए आया है, ये पुअर मैन टिकट कलेक्टर डर जाता है, आश्चर्य हो जाता है, उसको आश्चर्य होता है। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड शो करते हुए ग्रैंडफादर
से कहता है वो, क्या कहा उसने, जिससे ग्रैंडफादर एनोइंस मतलब नाराज़ भी हो गए। क्या कहा था ग्रैंडफादर से, सर यू हैव ए डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तुम डॉग को यात्रा पर लेके साथ चल रहे हो, अब तुम्हें पेनल्टी भरना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा इसका। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट, टोटो ग्रैंड फादर नाराज हुए क्योंकि वो डॉग तो था ही नहीं, टोटो था, एक मंकी था। टोटो को बैग से बाहर निकाल के बताया, दिखाया, देखो ऐसा ये डॉग नहीं होता, ये मंकी है, लेकिन कोई मतलब नहीं। इन वेन का मतलब सारी बहस व्यर्थ निकल गई ग्रैंड फादर की। उन्होंने प्रयास किया कि ये डॉग नहीं है भाई, मंकी है। और इवन एज ए क्वाडप्ट, और ये भी प्रूव करना चाह रहे थे, क्वाडप्ट का मतलब चार टांग का एनिमल, जो चार टांग का एनिमल होता है उसको हाथों की तरह आगे की टांगें यूज नहीं करता है वो एनिमल, उसको क्वाडप्ट बोलते हैं। टोटो वॉज क्लासिफाइड एज डॉग बाई द टिकट कलेक्टर, को तो पैसा चार्ज करना था, पेनल्टी लेना था, तो उसने उसको डॉग की कैटेगरी में ही माना कि ये डॉग ही है भाई, डॉग के पैसे लगते हैं, इसके भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। और 3 रुपये पेनल्टी ग्रैंडफादर को भरनी पड़ गई उसके किराए के रूप में। अब देखिए, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अब ग्रैंडफादर बिना बात के उसको मंकी को, जब उसको डॉग काउंट कर रहा है, डॉग में काउंट कर रहा है टिकट कलेक्टर, तो गुस्सा होना स्वाभाविक है, तो ग्रैंडफादर ने अपनी पॉकेट से एक टॉयज को निकाला। टिकट कलेक्टर गेट ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टॉइज, पेट टर्टॉइज पालतू कछुए को भी जेब में रख के ले गए थे साथ में, तो उसको निकाल कर हाथ पर रख कर बोले, दिखाते हुए टिकट कलेक्टर को, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसका क्या चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी एनिमल्स के लिए आप पेनल्टी लगा रहे हो। द टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टर्टॉइज, उसने बारीकी से देखा, प्रोडेड, प्रोडेड का मतलब टच करना, प्यार से उसके हिस्से को, आगे के हिस्से को, कछुए के हिस्से को टच किया अपनी फोर फिंगर्स उंगलियों से, और ग्रैंडफादर की तरफ फिर मुस्कराते हुए उसने जवाब दिया, नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग, कहा कि अब इसका कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है भाई, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये बता दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं टिकट कलेक्टर हैं और ग्रैंडफादर, जब टिकट दिखा रहे हैं तो ये मंकी ने सर अपना बाहर निकाल लिया था। यस, व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर, जब टोटो घर में ग्रैंड मदर ने स्वीकार कर लिया, रेस खुल गया बाद में, तो स्वीकार कर लिया ग्रैंड मदर ने, ठीक है भाई अब रखो घर में, तो उसको रखने के लिए, कंफर्टेबल फील करने के लिए, स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं, वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन ए द फैमिली डंकी, कौन था वहाँ पर, एक डंकी था, गधा था, जिसको नाना कहा जाता था, उसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, टोटो जब पहली रात उस वहाँ पर रखा गया स्टेबल में, ग्रैंड फादर पेड हिम ए विजिट टू सी, रात के समय ग्रैंड फादर देखने के लिए गए कि टोटो ठीक ठाक रह रहा है कि नहीं, नाना के साथ में, नाना कौन है, डंकी है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, उसने देखा, आश्चर्य हुए ग्रैंडफादर देख करके नाना को, विदाउट अपेरेंट कॉज, अपेरेंट मतलब क्लियर, कोई निश्चित कारण नहीं था, तो वो जो नाना था, डंकी था, वो क्या कर रहा था, पुलिंग एट हर, फीमेल डंकी है, पुलिंग एट हर हॉल्टर, हॉल्टर मतलब उसका जो रस्सी थी, रोप थी, उससे जिससे वो बधी हुई थी, ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे, जो घास थी दूर में, घास से बहुत दूरी, जितनी रस्सी तन सकती थी उतनी रस्सी तान कर दूर को खड़ी हुई थी वो डंकी नाना, क्यों, क्योंकि टोटो उसको घास नहीं खाने दे रहा था, वहाँ तक नहीं जाने दे रहा था, टोटो मिसचीफ कर रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, पीछे से ग्रैंडफादर ने एक स्लैप, हल्का सा प्यार से थप्पड़ मारा
एंड सी जर्क्ड बैक, और वो और पीछे की तरफ आ गई। तो वो मंकी बैठा हुआ है, वो नहीं बढ़ने देगा, तो डर के मारे और पीछे को वो खींचती है, ड्रैगिंग टोटो विधर। टोटो वहाँ घास के बंडल पर बैठा हुआ, तो वो भी नीचे खींच के चला आता है। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद ही शार्प लिटिल टीथ। वो अपने आप को भी वहीं पर बांध के रख लिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, इनमें दोस्ती कभी नहीं हुई, डंकी और टोटो में, मतलब एक दूसरे के दुश्मन की तरह ही बिहेव करते। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज, मतलब उसको एक बड़े बर्तन में पानी उबाला जाता था, गर्म पानी, ताकि टोटो को सर्दी नहीं लगे, नहा सके, वो स्नान कर सके। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर, वो क्या करता था, टेम्परेचर को चेक करता था विद हिज हैंड, हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, उसके बाद वो जो बाथ टब होती थी उसमें पैर, एक पैर रखता था, फिर दूसरा पैर रखता था, जैसा वो रस्किन बॉन्ड को करते हुए देखता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता था, धीरे धीरे चेक करके बैठता था पानी में स्नान करने के लिए। बंस कंफर्टेबल, और एक बार अच्छा पानी उसको लग गया, गुनगुना पानी, तो फिर वो देखता था कि हाँ अब नहाने लायक पानी है, अब ज़्यादा गर्म नहीं है, तो फिर साबुन लेता था, जैसा राइटर करता था, साबुन मलता था अपने हाथों पर, पैरों पर, पूरे बॉडी पर। वेन द वाटर बिकेम कोल्ड, स्नान करता रहता था उसमें वाटर में, और जब पानी ठंडा हो जाता था तो फिर उससे टब से बाहर निकलता था बहुत जल्दी स्पीड में। वो किधर दौड़ता था, किचन फायर, किचन में गर्मी रहती है, किचन फायर मतलब किचन की तरफ दौड़ता था ताकि सर्दी न लगे, वहाँ पर किचन में आग जल रही होती थी। टोटोज फीलिंग्स, हाँ, किचन फायर, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपना बॉडी को सुखाने के लिए वो किचन की तरफ भागता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड, और इस समय कोई अगर हंस दिया उसके ऊपर इस परफॉर्मेंस के तहत, तो टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी, और वो फिर स्नान करने से मना कर देता था, फिर इच्छा नहीं करता था स्नान। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, एक दिन टोटो जो है लगभग बॉयल हो गया, बॉयल होते होते बच गया, जीवित बच गया। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, चाय का एक बड़ा पतीला रखा हुआ था चाय बनने के लिए किचन में, केटल किचन में स्टोव पर रखा हुआ था, और स्टोव पर उस बर्तन को उसने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग, मिस्चीवियस था तो कुछ भी उसको पता नहीं चला क्या करना चाहिए, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, ढक्कन को उसने हटाया, और ढक्कन को हटा करके क्या किया, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, उसने देखा कि पानी बिल्कुल स्नान करने जैसा है, गुनगुना ही हुआ है, तो उसमें धीरे टच करके पैर रख के, जैसा उसका उद्देश्य था, पानी के अंदर वो पहुंच गया उस पतीले में, बाउल में, बड़ा जो बाउल था उसमें बैठ गया। विद हिज हेड स्ट्राइकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल विद जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक स्टोव जल रहा है नीचे, है ना, पानी चाय बनने के लिए रखा था तो गर्म होना ही है, तो थोड़ी समय तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, क्यों, गुनगुना पानी था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, थोड़ी देर में पानी बॉयल होने लगा। टोटो देन रेस्ट हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो फिर ऊपर को उठता, ऊपर क्या है, सर्दी है, सर्दी का महीना था, बट फाइंडिंग इट कोल्ड, बाहर में ठंडी थी, सेट डाउन अगेन, फिर बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, हॉपिंग मतलब उठना बैठना, बार बार उसका बहुत देर तक चलता रहा ऐसे, अनटिल ग्रैंड मदर, अब निकल नहीं सकता था उसमें से, गर्म हो रहा था पानी, नहीं कूद नहीं पा रहा था, तो ग्रैंड मदर पहुंच जाती हैं सही समय पर, और उसको हाफ बॉइल्ड उस पतीले में से बाहर निकाल लेती हैं।
नहीं तो टोटो की सारी शरारत दरी रह जाती और ग्रैंड मदर नहीं पहुंचती सही समय पर। तो सही समय पर उन्होंने बाहर उसको निकाल लिया, जान बच गई। इफ देयर, हाँ ग्रांट, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, अगर कोई पार्ट ऐसा था ब्रेन में ऐसा डेवलप हो गया था टोटो को जो मिसचीफ से भरा हुआ था, शरारत से भरा हुआ था, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। मंकी में सभी में होता है ये पार्ट, लेकिन टोटो में थोड़ा ज़्यादा बड़ा था वो शरारत करने वाला पार्ट उसके ब्रेन में। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, सारी जो चीज़ें होती थी, कपड़े होते थे उनको टुकड़े टुकड़े कर देता था, सारे जो और चीज़ें सामान होते थे उनको तोड़ देता था, ब्रेकेबल आइटम्स। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, एक बार एक आंट रस्किन बॉन्ड की राइटर की वहाँ पर आई नरेटर की, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, उसने सारे प्रयास किए कि उनके नज़दीक वो पहुँच जाए कैसे भी और क्या करे उनकी ड्रेस में होल कर दे। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच का समय था, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव जो बनता है चावल का, वो वहाँ पर डाइनिंग टेबल में सेंटर में रख दिया गया, बहुत सारा पुलाव था बना था सभी को नाश्ते के लिए। बी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग, जब राइटर उसके ग्रैंड मदर आंट ग्रैंड फादर सभी वहाँ पर जब प्रवेश नाश्ते के लिए पहुँचते हैं तो टोटो पहले से ही वहाँ पर अवेलेबल था, उस डाइनिंग टेबल पर बैठा बैठा वो क्या कर रहा था, उन राइस को पुलाव को खा रहा था, स्टफिंग मतलब ठूंस रहा था अपने मुँह में। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मतलब चिल्लाना, जोर से आवाज़ देती है, टोटो हाउ यू डेयर टू कम हियर, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो ने उसके ऊपर ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट फेंक दी पुलाव की। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, आंट जो थी वो आगे को बढ़ती हैं, रस्ट मतलब आगे बढ़ना, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, वहाँ ग्लास भी रखे हुए थे पानी के भरे हुए, तो उसने टोटो ने वो पानी का भरा हुआ ग्लास उनके चेहरे पर दे मारा। वेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, जब ग्रैंड फादर वहाँ पर पहुँचे तो ग्रैंड फादर तो लेके आए थे, वो मालिक को अच्छे तरह जानता था, तो उसने ग्रैंड फादर के ऊपर कोई गुस्सा नहीं दिखाया, उसने क्या किया, पिकड अप, पिकड अप मतलब पकड़ लिया किसको, पिकड अप द डिश ऑफ पुलाव, पुलाव की एक डिश प्लेट को उठाया और दरवाजे से निकल गया, विंडो से बाहर, एग्जिट मतलब निकलना। बी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, बाद में देखा किधर गया, तो रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं, नरेटर बता रहे हैं कि वो एक जैक फ्रूट के ट्री पर जाकर ऊपर बैठ गया चढ़ करके, और डिश अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, क्योंकि अब चिंता नहीं थी उसको खाने की, वो पूरी दोपहर भर वहीं उसी पेड़ पर शाखाओं पर ऊपर बैठा रहा, धीरे धीरे करके पुलाव टेस्टी बना था उसको खाता रहा वो। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ये था कि भाई चोरी करके लेके आया है, सब लोगों को गुस्सा कर दिया उसने, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहता था एक दाना भी। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर पर गुस्सा दिखाने के लिए, स्पिट मतलब एनॉय के इन्हें मुझे डांटा था, क्या किया उसने, क्योंकि वो हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, वो चिल्लाई थी इसलिए ग्रैंड मदर पर वो नाराज़ था, इसको नाराज़गी को शो करने के लिए उसने क्या किया, जब ख़त्म हो गया कुछ थोड़ा बहुत बचा था पुलाव, थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने ट्री से ही ऊपर से ही एक उसको प्लेट को गिरा दिया, और गिरा करके जब देखा कि गिरते ही वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके प्लेट के, टूट गई, चीनी प्लेट होगी, टूट जाती है, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो अपनी ब्रांच को पकड़कर और चिटरिंग की आवाज़ करता है, चैटर करता है, चिल्लाता है, छी छी करता है, खुश मतलब अपनी हैप्पीनेस को व्यक्त करता है, डिलाइट मतलब हैप्पीनेस। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, बता रहे हैं कि ये जो टोटो था वो इस तरह का कोई जानवर नहीं था जिसको बहुत लंबे समय तक उसको घर में रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट, ग्रैंड फादर को भी एहसास हो गया कि वी वर नॉट वेल टू डू मतलब बहुत ज़्यादा रिच, समृद्ध इतने नहीं थे कि जो वो हज़ारों का नुकसान रोजाना करता रहे, प्लेट्स को तोड़ता रहे और
कपड़ों को फाड़ता रहे, पर्दे, कर्टेंस का मतलब पर्दों को फाड़ता रहे और वो कुछ न करें, मतलब सब बेयर कर लें, सारा लॉस को सहन कर लें। ऐसे इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, इसलिए उन्होंने एहसास हो गया ग्रैंडफादर को कि और ज़्यादा इसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते घर में। दीवार वॉलपेपर को भी ख़राब कर दिया था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर ने फिर से उसको टोटो को अपने साथ लिया और खोजा कि कहाँ है भाई टांगा ड्राइवर, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ है घर, कहाँ है, उसको खोज करके उसको वापस सोल्ड, सोल्ड मतलब बेच देना, वापस से बेच दिया। कितने रुपए में? ओनली थ्री रुपीज़, केवल 3 रुपए में वापस बेच दिया और उससे छुटकारा पा लिया। तो ये कहानी है रस्किन बॉन्ड की, जो एक बहुत ही जिसका मंकी के बारे में, बंदर के बारे में, जिसका नाम टोटो था। तो रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को लिखा है। आपकी कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए और इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।